हेलो फ्रेंड्स, आज के इस केस में हम सबसे इम्पोर्टेंट अजम्पशन की बात करेंगे। हमने एसपीएसएस के बेसिक्स अभी सीख लिए हैं, अब हम समझने की कोशिश करते हैं जो सबसे ज्यादा लोग उसे जिसके लिए एसपीएसएस का यूज करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो लेट अस स्टार्ट विद द केस स्टडी। हमारा जो केस है, हमारे केस में आदित्य नाम का एक रिसर्च स्कॉलर है। ड्यूरिंग हिज स्टडीज इन मास्टर्स एक बुक में लिखा हुआ था, उन्होंने पढ़ा कि मेल्स ट्रेवल मोर इंस्टेड ऑफ फीमेल्स। ये आदित्य जो है ये इस बात से सहमत नहीं थे और आदित्य ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि मेल्स ज्यादा ट्रेवल करते हैं, आई बिलीव बोथ इक्वली ट्रेवल। ये इनका मानना था, यहाँ से ये मान के चल रहे थे। सो ही स्टार्टेड विद द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव बनाया टू नो वेदर द सिटीज ऑफ ट्रेवल फॉर मेल मेंबर्स इज इक्वल्स टू द सिटीज ऑफ ट्रेवल फॉर फीमेल मेंबर्स। Therefore, a null hypothesis was formulated as there is no significant difference in the cities of travel for males and female members. इस assumption को पूरा करने के लिए आदित्य ने कुछ data collect किया, करीब 20 male और 20 female से data collect किया और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे इस data को analyze करें और कैसे ये समझें कि males ज़्यादा travel करते हैं, या number of cities के terms में बात करें तो females ज़्यादा travel करते हैं। यहाँ पे एक मैंने data sheet तैयार कर रखी है। वन में वेरिएबल वन मैंने जेंडर ले रखा है, जिसको आप देखेंगे मेल और फीमेल की कैटेगरीज हैं, और नॉमिनल यहाँ पे वो डेटा है। सिटी ऑफ ट्रेवल का जो डेटा है वो स्केल डेटा है कि कितनी सिटी एक मेल ने या एक फीमेल ने ट्रेवल कर रखे। इन 20 लोगों से देखें, वन का मतलब होता है फीमेल, तो वन स्टैंड फॉर की पहला जो रिस्पोंडेंट था इसने 15 सिटीज को ट्रेवल किया, दूसरा जो रिस्पोंडेंट था उसने 23 सिटीज को ट्रेवल किया। इस तरह से फिगर चल रहा था, वन और टू। अब देखेंगे 20 मेल्स एंड 20 फीमेल्स का 40 का डेटा हमारे पास यहाँ कलेक्ट हो गया। अब हमने हाइपोथेसिस बनाई थी कि नंबर ऑफ सिटीज वेयर मेल्स आर ट्रेवल आर इक्वल्स टू और देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो हम सबसे पहले जो इसके लिए टेस्ट लगाएंगे वो लगाएंगे हम टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। तो देखते हैं कैसे करते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई। सबसे पहले एनालाइज में जाएंगे, एनालाइज में जाके आपको एक ऑप्शन देखेगा कंपेयर मींस। कंपेयर मींस में आप देखेंगे इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट करके एक ऑप्शन दिखाई देगा। इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ टी टेस्ट, हाउ मेनी सिटीज यू हैव ट्रेवल्ड, इसको हमने टेस्ट वैल्यू में ट्रांसफर कर दिया। व्हाट इज योर जेंडर, इसको हमने ग्रुपिंग वेरिएबल में, क्योंकि यही हमारी क्लास है। तो जैसे ही आप शिफ्ट करते हो यहाँ पे डिफाइन ग्रुप्स का एक ऑप्शन होता है। ज्यादातर लोग ज्यादातर वीडियोज यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं आपको। इट इज नॉट नेसेसरी कि दो ही ग्रुप होने चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल हमने वन और टू ले रखा है, तो हम यहाँ पे वन और टू ले रहे हैं। कहीं पे हो सकता है आपने जीरो और वन ले रखा हो, कहीं पे हो सकता है एक से ज्यादा, दो से ज्यादा कैटेगरीज भी हों, जैसे एज ग्रुप या इनकम ग्रुप। लेकिन हम टी टेस्ट की हेल्प से दो ही ग्रुप को कंपेयर कर सकते हैं। तो इनकम ग्रुप पे अगर कंपेरिजन करना चाह रहे हैं तो लोअर इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप के फिनोमेना अगर हम चेक करना चाहते हैं, मिडिल इनकम ग्रुप को हम यहाँ पे बीच में छोड़ देते हैं। उस केस में हम यहाँ पे लिखते हैं वन और थ्री। तो यहाँ पे हमने वन और टू लिखा क्योंकि हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। यहाँ पे हमने इसको कंटिन्यू किया। ऑप्शंस और बूटस्ट्रैपिंग में अभी कुछ बहुत ज्यादा है नहीं हमारे पास, इसको सिंपली ओके पे क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गए हमारे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के। इनको कैसे पढ़ते हैं पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ वी नीड टू रीड दिस टी टेस्ट। सबसे पहले देखिए मीन कितना है नंबर ऑफ सिटीज ट्रेवल करने का। तो यहाँ दिख रहा है बहुत आसानी से कि फीमेल्स जो है वो 32.05 सिटीज में ट्रेवल कर चुकी है एवरेज, और मेल जो है वो 34.7 सिटीज में विजिट कर चुके हैं। अगर राउंड ऑफ में देखें तो ये 32 हो जाता है और ये 35 हो जाता है। इनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखेंगे, फीमेल्स में की कैटेगरी में स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है जबकि मेल्स की कैटेगरी में स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। ऑलमोस्ट सारे मेल्स लगभग आसपास के शहरों को घूम चुके हैं। ये मेल इसके बारे में, मीन के बारे में टेबल है। दूसरी टेबल जो हमें सिग्निफिकेंस के बारे में, भाई आप एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी दो सीरीज का मीन निकालेंगे, किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बेस पे मीन निकालेंगे तो डिफरेंस तो आएंगे। अब हमको ये समझना है कि क्या वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं, भाई 32 और 35 का डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं, ये हमको समझने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले इस टेबल को देखते हैं, हाउ मेनी सिटीज यू हैव विजिटेड। F टेस्ट की वैल्यू है 2, सिग्निफिकेंस आ गया 1.27। अगर ये वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो जाती, अगर ये यहीं पे हम सिग्निफिकेंस वैल्यू को P वैल्यू कहते हैं, अगर यहीं पे हमारी वैल्यू रिजेक्ट हो जाती तो हम क्या करते, नीचे वाले वैल्यू में देखते जहां पे इक्वल वेरियंस नॉट एज्यूम्ड की बात करते। लेकिन क्योंकि यहाँ रिजेक्ट नहीं हुई तो हम ऊपर वाले उसमें कंटिन्यूशन में रखते हैं,
और ऊपर वाले इसमें कंटिन्यूएशन में हमको मालूम पड़ता है सिग्निफिकेंट टेस्ट दूसरा वाला जो है ये भी रिजेक्ट नहीं करता। रिजेक्ट की डेफिनेशन क्या है? अगर आपकी सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से कम है तो हम कहेंगे हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, अगर आपकी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है तो आप कहेंगे हाइपोथेसिस और डेटा वाज नॉट एबल टू रिजेक्ट इट और डेटा हैज फेल्ड टू रिजेक्ट इट। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में अजम्पशन तो था कि ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप है तभी, या रिलेशनशिप नहीं है तभी तो हमने स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पे तो ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है ही नहीं, ना तो मेल्स के उसमें डिफरेंस है ना तो आप ये कह सकते हो इस डेटा के बेस पे कि मेल्स ने ज्यादा ट्रेवल किया या फीमेल्स ने ज्यादा ट्रेवल किया। आइए देखते हैं डेटा के जब ये इस तरह के एनालिसिस हमारे पास निकल के आ जाते हैं तो किस तरह से लिखते हैं। तो जिस केस में ये जो हमारा केस है, इस केस में अगर आप देखेंगे एक्चुअल रिजल्ट्स जो है हमारे वो क्या कह रहे हैं, द रिजल्ट्स इंडिकेट दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट, सॉरी मैंने ये गलत लिखा, दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ मेल्स एंड फीमेल मेंबर्स of their number of cities they have traveled, therefore the collected data have failed to reject the null hypothesis. मैंने आपको बताया था कि आप या तो reject लिखते हैं या फिर failed to reject null hypothesis लिखते हैं, तो हमने जो data collect किया वो अभी जिस hypothesis को null hypothesis को reject नहीं कर पाया। हो सकता है कि दूसरा data जब collect करें तो ये hypothesis reject हो जाए। अब थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि अगर ये hypothesis reject हो जाती है, अगर significance value एक ऊपर वाले कॉलम में जहां पे हमने लिखा था इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड, अगर वहां पे वो टेबल हमारी रिजेक्ट हो जाती तो हम क्या करते, अगर एक वैल्यू 0.5 से नीचे होती तो हम क्या करते। तो ये हाइपोथेटिकल है, इसके सही होने की कोई डेटा का स्ट्रक्चर सिंटेक्स सही है लेकिन ये फिलहाल सही नहीं है जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। हम ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए जिससे कि आप इसे समझ पाए कि हमने कैसे लिखा है। देखिए क्या लिखा है, ऑन एवरेज मेल मेंबर्स आर ट्रेवलिंग मोर where m is mean of male is 3.7 and standard error is 2.28. देखिए कहाँ लिखा है standard error 2.28, हम अपने डेटा को देखें तो हमें यहाँ मेल्स का मीन मिल गया 34.7 और स्टैंडर्ड एरर भी दिख रहा है 2.218, राइट। तो ये चीज हमको यहाँ से मिली, फिर लिखते देन फीमेल, उनका भी मीन लिखेंगे और फिर उनका भी स्टैंडर्ड एरर लिखेंगे एंड द डिफरेंस, दिस डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट एट T value is 38. What is this 38? ये हमको समझना पड़ेगा। 38 हमारे केस में होगा degree of freedom. Degree of freedom ये देखिए 38 लिखा हुआ है। Degree of freedom होते क्या है? अभी आसान से भाषा में इतना समझने की कोशिश करते हैं कि number of sample minus number of option. तो हमारे पास sample कितना था? 40, 20 male, 20 female और minus दो option थे उनके पास। कितने मेल का ऑप्शन है, फीमेल का ऑप्शन, दो ही कैटेगरी थी, दो को हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब सिग्निफिकेंस टोटल क्या है, 0.473, हमने उसको यहाँ पे लिखा। टी टेस्ट की वैल्यू कितनी है, 0.724, ये शायद सॉरी टी टेस्ट की वैल्यू लिखनी है आपको इसमें, ये देखिए -0.724 और आपको यहाँ पे फिर सिग्निफिकेंस लिखना होता है इज ग्रेटर देन 0.5, ये देखिए जीरो माइनस भी लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने ध्यान नहीं दिया था। और पी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, पी वैल्यू इज लेस देन, गलत लिखा हुआ है, पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05। इसलिए अब प्रेजेंट देखा डेटा को देखें तो ये हमने गलत लिखा था, लेकिन अगर हाइपोथेटिकल डेटा को देखें, अगर ये पी वैल्यू 0.05 से कम होगी तभी आप हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर पाओगे, अगर ये 0.05 से ऊपर है तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो सकती। तो इस केस में हमने अभी माना है जस्ट एन अजम्पशन, हमने मान लिया कि पी वैल्यू इज 0.05 से कम है, सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से कम है तभी तो हम हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर पा रहे हैं। तो अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं कि कौन सा हमारा सही डेटा है जो हमने प्रेजेंट डेटा के बेस पे काम किया, और ये जो है कंडीशन है ये हमने प्रेजेंट डेटा के बेस पे काम नहीं किया, हाइपोथेटिकल अभी हमने काम किया है, सो दैट आप इसे आसानी से समझ पाए। तो मुझे लगता है आपको ये छोटा सा अजम्पशन जो है टी टेस्ट के बारे में, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के बारे में समझ आ गया होगा, और आगे आपको कभी भी ऐसा कोई डिलेमा लगे तो आप इसको इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और फिर आप समझ सकते हैं कि कब आपको हाइपोथेसिस रिजेक्ट करनी है विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, कब आपको हाइपोथेसिस फेल टू रिजेक्ट लिखना है विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इससे रिलेटेड डेटा फाइल को जो है मैं इस वीडियो के नीचे लिंक में अटैच कर दूंगा, डेटा फाइल अगर आप कभी एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसे अपने यूज के लिए देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।